हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इन माय वे। मैं हूं आंतरिक पंडित और आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सम्स के बारे में। दो प्रॉब्लम सम हम यहां पे देखेंगे, दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से इसको देखना समझना। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछना। तो शुरू करते हैं इस सम से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से आप इसको नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए कि वन प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने थोड़ा सा अरेंज किया है। न्यूमरेटर में मैंने एक प्लस टू एक्स इंक्लूड किया है, इसीलिए ब्रैकेट के बाहर एक माइनस टू एक्स भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर है, उसके साथ अगर हम एक प्लस टू एक्स दे देंगे तो ये वन प्लस एक्स होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमें क्या क्या मिला है। इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स, अब वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, उससे हमें मिलता है वन प्लस एक्स उसका होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जैसे वन प्लस एक्स स्क्वायर था उसको लिखेंगे, और फिर माइनस टू एक्स बाई वन प्लस एक्स उसका होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ये जो वन प्लस एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स वन माइनस टू एक्स बाई वन प्लस एक्स उसका होल स्क्वायर डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ई टू द पावर एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करने के बाद हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देंगे। तो वही किया है, इक्वल्स टू देने के बाद आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई टू द पावर एक्स बाई वन प्लस एक्स उसका होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए ई टू द पावर एक्स डी एक्स को हम अब फॉर्मूला से इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन x ई टू द पावर एक्स बाई वन प्लस एक्स होल स्क्वायर उसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पे हमें कुछ और तरकीब हमें अप्लाई करना होगा ताकि हम उसको इंटीग्रेट कर सकें। तो देखिए फिर से मैंने x को थोड़ा सा अरेंज किया है कि न्यूमरेटर में मैंने नेक्स्ट स्टेप में x के साथ एक प्लस वन ऐड किया है, तो इसीलिए मुझे एक माइनस वन भी देना पड़ा। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आप गेस कर पा रहे होंगे क्या होने वाला है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स, फिर एक्स प्लस वन को हम अलग से लिखेंगे और माइनस वन बाई वन प्लस एक्स उसका होल स्क्वायर को हम अलग से लिखेंगे, वो है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू वन बाई वन प्लस एक्स माइनस वन बाई वन प्लस एक्स उसका होल स्क्वायर डी एक्स। अब हम ई टू द पावर एक्स इंटू वन बाई वन प्लस एक्स को जेड लेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो करने से हमें मिलेगा ई टू द पावर एक्स इंटू वन बाई वन प्लस एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स इंटू वन बाई वन प्लस एक्स उसका होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड। अब आप ये देख सकते हैं कि यही चीज़ सरप्राइजिंगली यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा टर्म को हमें इंटीग्रेट करना है वो एक्चुअली डी जेड है। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप पे हम ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन डी जेड। अब हम इजीली इसको
इंटीग्रेट कर सकते हैं। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा ई टू द पावर एक्स, एंड इंटीग्रेशन डी जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा जेड। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलता है इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस टू जेड प्लस सी। अब जेड का वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा जो है ई टू द पावर एक्स माइनस टू ई टू द पावर एक्स बाई वन प्लस एक्स प्लस सी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइनली जो आंसर मिलेगा वो है ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस सी। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सम जो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। हम यहाँ पे एक्स माइनस ए को पहले जेड एज्यूम करेंगे तो हमें मिलेगा डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड, और x माइनस ए इक्वल टू जेड इस इक्वेशन से हमें x का जो वैल्यू मिल रहा है वो है z प्लस ए। तो हम नेक्स्ट स्टेप से हर जगह पे x का वैल्यू को z प्लस ए से रिप्लेस करेंगे और x माइनस ए का वैल्यू जो हमने एज्यूम किया था z उसको पुट करेंगे तो हमें मिलेगा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन z प्लस ए प्लस कॉस z प्लस ए होल डिवाइडेड बाई साइन z डी z। अब हम साइन जेड प्लस ए का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और कॉस जेड प्लस ए का भी जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन साइन जेड कॉस ए प्लस साइन ए कॉस जेड प्लस कॉस जेड कॉस ए माइनस साइन जेड साइन ए, जैसे कि आपको पता है होल डिवाइडेड बाई साइन जेड डी जेड। अब हम जो डिनोमिनेटर में जो साइन जेड है उसको हम सेपरेटली सबसे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए प्लस साइन ए कॉट जेड प्लस कॉट जेड कॉस ए माइनस साइन ए डी जेड। अब हम नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन कॉस ए प्लस साइन ए कॉट जेड प्लस कॉट जेड कॉस ए माइनस साइन ए डी जेड। अब अगर हम कॉट जेड को कॉमन ले के लिखे तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस कॉट जेड साइन ए प्लस कॉस ए डी जेड। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रेशन को और आगे लेके जाएंगे और इंडिविजुअली सबके साथ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें फाइनली जो मिलता है वो है जेड कॉस ए माइनस जेड साइन ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए इंटू लॉग मॉड साइन जेड प्लस सी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जेड का ओरिजिनल वैल्यू को इनपुट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स माइनस ए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए प्लस सी। फिर एक चीज़ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स माइनस ए कॉस ए माइनस साइन ए ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला उसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है कि x cos a माइनस साइन ए माइनस ए cos a माइनस साइन ए प्लस cos a प्लस साइन ए log mod x माइनस ए प्लस सी। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये जो टर्म है a cos a माइनस साइन ए ये एक्चुअल में कांस्टेंट है, ये पूरा चीज़ ही एक कॉन्स्टेंट है, इसको हम हमारा इंटीग्रल कॉन्स्टेंट के साथ ले लेंगे और पूरे चीज़ को हम एक कॉन्स्टेंट की टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे जो है c1। तो नेक्स्ट स्टेप से आप देख सकते हैं कि x cos a माइनस साइन ए प्लस cos a प्लस साइन ए log mod x माइनस ए प्लस c1, यहाँ पे c1 इज इक्वल्स टू c माइनस कॉस ए माइनस साइन ए। फ्रेंड्स, ये था मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन के कुछ सम्स। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा कि मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन एक्चुअली क्या है और उसका कुछ बेसिक फॉर्मूला, और इस वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि कैसे मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन को हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे जो गिवन प्रॉब्लम्स है उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को
प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। शेयर कीजिए दोस्तों में ताकि उनको भी अच्छे से मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।